नहीं था कि एंट्री के लिए हम लोगों ने डेकोरेशन किए माशाल्लाह। वेलकम बेबी, वेलकम बेबी। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आप सभी का नियान की नोकझोंक भरी छोटी सी दुनिया में। तो गाइस फाइनली आप लोग देख रहे हैं तो मैं कहां पर हूं, मैं हूं निदा के घर पे और निदा है मेरे घर पे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहां पर क्यों आया। तो गाइस हम लोग कुछ प्लान कर रहे हैं निदा के लिए और हमारे न्यू बेबी के लिए जो कि फैक्ट्री से अभी 2 दिन हो गए हुआ है। तो हम सोचे क्यों ना जब वो आ रहा है घर पे पहली बार तो उसके हिसाब से कुछ तो अच्छा करे उसके लिए। बट मैं उसके पहले आप लोगों को दिखाऊंगा घर। देखो गाइस निदा के आने के पहले इतना साफ है माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ पर गाइस पेस्ट कंट्रोल भी हुआ है, साफ सफाई की, आंटी ने मस्त कपड़े अपने धो दिए। बोले निदा आएगी तो निदा बोले डेटॉल में धोना मेरे बच्चे के कपड़े, हाँ खुद ही दियो आंटी ने। और गाइस अंकल बाहर है। तो गाइस मैं आप लोगों को दिखा दूं कि क्या हो रहा है। तो गाइस ये देखो, ये हो रहा है हमारे बेबी के लिए वेलकम का सेलिब्रेशन। और मामू क्या बोलते है, मामू मामू की खिड़की दिख रही है, अरे क्या बात है, मामू खुश हो गए नी, बहुत खुश, क्या बात है माशाल्लाह। तो सरकार वाले तो काम बच देखो गाइस, देखो नाना की मेहनत देखो गाइस, खाली हो डेडिकेशन तो देखो गाइस, एक हाथ से गद्दा उठा के लेके जा रहे हैं। अरे नहीं नहीं बेटा, मामू नहीं, नाप सरक जाएगी बेटा, निकल गई, अरे नाप सरक जाएगी। तो गाइस ये टेडी बेयर है, तो मस्त अभी सेट करेंगे यहाँ पर। और यहाँ पे लिखा है हमारा बेबी और उधर पे लिखा है ओ बेबी। और गाइस ये देखो यहाँ पे है हमारा एंट्रेंस जो कि निदा जैसी अंदर एंटर करेगी सबसे पहले उसको यही देखने मिलेगा। हम लोग निदा की आंखें बंद करेंगे, बेबी की आंखें बंद नहीं करेंगे क्योंकि बेबी वैसे ही नहीं देख सकता है इतनी छोटी उम्र में, उसको सब ब्लर ब्लर दिखेगा, उसको नहीं समझ में आएगा। बट एटलीस्ट उसके लिए मेमोरेबल रहेगा कि जब वो पहली बार घर में आया था तो उसके लिए कितना स्पेशल चीज हुई थी। और क्या दिखा रहे हैं एंट्री में आएगा वेलकम बेबी, वाह माशाल्लाह। बट अंकल आंटी एक बात है, जब से अपन लोगों ने व्लॉगिंग चालू की अपन लोग सेलिब्रेशन बहुत कर दिया, एक दूसरे को स्पेशल फील कराना अपन ने बहुत ज्यादा सीख लिए माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। गाइस अंकल की स्पेशल रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं ताकि बच्चा बड़ा होगा देखे मेरे नाना क्या कर रहे थे उसके लिए। हालांकि ये डर निदा का है लेकिन सही बात है, सही बात है, नहीं नहीं सही बात, वो अल्लाह के किस्सा लगाता हूँ, वो आई उसके सामने बोल रहा अंकल। उससे कौन नहीं डरता पहले ये बताओ। प्यार करते, मेरा मतलब वो था प्यार करते। तो गाइस अभी एक और प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ऊपर कभी कभी आ जाता है चूहा जो कि निदा बहुत ज्यादा डरती है उससे। तो अभी हम लोग सोच रहे कि चूहे का क्या इंतजाम करें क्योंकि निदा को यू नो गाइस ताजा ताजा जो है उसकी बॉडी में से जो निकला है उसके चलते निदा को थोड़ा प्रिकॉशंस लेने हैं गाइस। एकदम नॉर्मली तो वो नहीं उछल कूद कर सकती है, तो उसके लिए अगर वो बिछक गई डर गई तो गाइस प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसका कुछ तो करना पड़ेगा। अंकल क्या करेंगे उसका, वही अभी क्या करेंगे वो समझ में नहीं आ रहा। जहर रख देगा ऊपर, जहर देके बेटा किसी को नहीं मारना कभी भी जिंदगी में, तो डायरेक्ट मौत देने का, तड़पा तड़पा के नहीं तो डायरेक्ट मौत बोला, मतलब बारह महीने से फेंकते नीचे नहीं मरेगा बेटा, नहीं मरेगा, चूहे में हड्डी नहीं होती ना, नहीं जवान में जिसी नहीं रहती ना बेटा, चूहे में नहीं रहती, सही बात है। असलम मैं क्या बोलती, तुम्हारा क्या कहना है, कुछ मत बोलो जाने दो। तो गाइस यहाँ पर भी वेलकम बेबी लिख चुके हैं और अंदर का भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो गाइस फाइनली हम लोग निकल चुके हैं निदा को लेने के लिए, अब जाते हैं निदा को लेते हैं और उसको मस्त सा सरप्राइज देते हैं। फाइनली मैं आ चुका हूँ घर पे निदा को लेने के लिए, वक्त आ गया है निदा को अपने मायके लेके चलने का, जहाँ पर आइजल और हमारे बेबी अभी तक साथ में खेल रहे हैं। और आइजल तो गाइस बहुत ज्यादा फ्री हो रही है बेबी को देख के, आइजल क्यों कर रही है ऐसा, एटीट्यूड दिखा रही तू आइजल हम लोग को, क्यों दिखा रही, आइजल मेरा बेबी बहुत मारेंगे देखो, ज्यादा अगर फ्री हुई ना तू तो तेरे तू तो समझ लेना, हाँ समझी ना, समझी ना, डोंट वरी बेबी, देख रहे यार यार तुम भरेंगे आइजल को, टेंशन मत लो जरा भी तुम, हाँ गाइस लेकिन हम लोग नसीबदार है गाइस के एक साथ हमें दो दो बच्चों का प्यार मिलेगा, एक गोद में ये रहेगी एक गोद में ये रहेगी, मतलब दोनों गोद में हम पिचुक 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 खेलेंगे हम लोग। देखो दोनों भाई बहन अपने बच्चों को लेके देख रहे, अरे बाप रे, आपकी कजिन तो शर्मा रही है, आपकी कजिन तो शर्मा रही है, वो बता रही है कि देखो मैं लड़की कैसा शर्माती हूँ, वो सिखा रही है कि सीखो ऐसा शर्माते, मैं बड़ी बहन हूँ, देखो
माशाल्लाह माशाल्लाह, बस ऐसी प्यार बरकरार रहे। प्यार तो प्यार रहेगा, कुश्ती तो होगी ही होगी। ये वही चाहते हैं, जिस दिन से पैदा हुए ना बच्चे तब से वही चाह रहे हैं। बट अभी देखो नौशीन छोटी थी, तुम बड़े थे, अब तुम्हारा बेबी छोटू है। बेबी मारेंगी, हमारी प्यार करेंगे ना, हमारे दोनों प्यार करेंगे ना। एक तो कैमरे में देख रही है, ज्यादा समझ मार रहे, तेरे को मॉडल नहीं बनाएंगे हम लोग, समझे ना। फाइनली हम लोग आ चुके हैं रिदा के घर के नीचे, और हम लोगों ने अरसलान भाई को सामान दे दिया। अरसलान भाई प्लीज जरा हेल्प कर दो यार थोड़ा सी, क्योंकि निधा चल नहीं पा रही ना। डेकोरेशन, हाँ डेकोरेशन का निधा की एंट्री के लिए हम लोगों ने डेकोरेशन किए माशाल्लाह। यहाँ से निधा को लेके जाएंगे और फिर ऊपर का डेकोरेशन अलग है गाइस, बहुत खर्चा हो गया। हाँ पूरा अरसलान भाई ने बनाया गाइस ये पूरा डेकोरेशन माशाल्लाह। और वहाँ पे देखो गाइस आरती पानी पूरी खा रही है। चलो मैं आता हूँ निधा को लेके, ठीक है। हाँ देखो ना पानी पूरी भी उससे हैवी है। चलो फिर निधा जाने का, बच्चे को भी चलो थोड़ा रेस्ट कराएंगे, तुम भी रेस्ट करो, तुमको सीढ़ियाँ भी उतरने, अरे इसको सीढ़ियाँ भी उतरने का है, वहाँ पर सीढ़ियाँ भी चढ़ना है। चलो फिर फटाफट निकलते, इधर चढ़ने में वो आ गया, अरे हालत खराब हो गई उसकी तो भाई। सो गाइस कैसा कैसा करके उतर रहे हम लोग, 15 मिनट से इन पर ही है। नहीं गाइस स्लो स्लो स्लो, देखो इधर छोटा रास्ता है, इधर संभाल के आओ। बिस्मिल्लाह बोलते हुए उतरने का, एकदम अल्लाह ताकत देंगे या अली, मदद बोलो। स्लो स्लो, वेरी गुड वेरी गुड, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, लुकिंग लाइक अ काउ। चलो माशाल्लाह उतर गए हम, जिंदगी का पड़ाव चढ़ भी गए, जिंदगी का पड़ाव उतर भी गए। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं। निधा कैसा लगा डेकोरेशन बाहर का तुम्हारे लिए? बहुत खर्चा हो गया अंकल, क्या बोलेंगे निधा के पीछे। तुम ये बना बनाया डेकोरेशन बोल रहे हो मेरे लिए, तुम मेरे लिए कुछ किए क्या निधा? अभी तुमको इतना बड़ा बच्चा दे दिया यार, मैं जी बोलने का। सही बात है, सही बात है। तो तुमको तो यहाँ पे बम फूटने चाहिए। अरे पागल है क्या, बिल्डिंग में बम बम फूटेगा, बच्चे के मुंह पे चिंगारी मारोगे तो क्या करेंगे? बच्चा तो मम्मी लेके चले। हाँ तो मम्मी भी दूंगा तो मैं तुम्हारे को दूंगा ना फिर हाथ में बच्चा, तो पागल। सो गाइस सुफियान भाई का मुझे फोन आया था, और सुफियान भाई ने मुझे बोले कि हम लोग आ चुके हैं नीचे, तो मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पर मेरे साथ है आरती और आंटी और अली, हम लोग सब वेट कर रहे हैं निदा का और छोटे बेबी का। इब्रू है इब्रू। आपसे तुम लोगों जीने का फोड़ने, फोटो की साइड में करो। वो पटाखे लेकर आया था फोड़ने के लिए, बड़ा घर गंदा होगा इसके लिए नहीं फोड़ा। तत्तर 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 तत्तर, इसको देखो इसको देखो। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कैसा लगा डेकोरेशन आपको? बहुत अच्छा है, आवाज ही नहीं निकल रही मेरी तो। सुफियान एक्सपेक्टेड, थैंक यू सो मच, दिस इज ऑल मेड इन पैकेज फ्रॉम द डेकोरेटर्स। It's just my idea. Oh baby, इसके लिए तुमको मेरा WhatsApp नहीं दिया मैंने, तुमको पता नहीं चले। आप बैठिए आराम से। तो गाइस अब निधा से पूछते हैं कि निधा को डेकोरेशन कैसा लगा है और हमारे बेबी को भी डेकोरेशन कैसा लगा है। हिलो मत निधा। हाँ यस, बहुत अच्छा लगा है, बेबी उड़ गए, बेबी का वेलकम इतनी अच्छी तरीके से हुआ। यस बेबी, माशाल्लाह माशाल्लाह। टेडी बेयर देखे निधा? टेडी बेबी की कुछ कहना चाहोगे निधा? देखो मेरी बेबी। आप कुछ कहना चाहोगे? No words. Why no words? Because I'm shivering. Why you are shivering? Because you are getting pain? No. Then why? I'm liking it. Oh my God. I wanted this. Wow. Hey, wow. Congratulations. नया सॉन्ग निकालो बनेगा।
Congratulations to us. कंग्रेचुलेशंस ग्रैंड चाइल्ड के लिए, ग्रैंड चाइल्ड बेटा, मामू बनने के लिए, आंटी बनने के लिए, ग्रैंड ग्रैंड चाइल्ड बनने के लिए, क्या चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड आया है, दीदी बनने के लिए, आंटी बनने के लिए, आंटी तुम्हारा भी ग्रैंड चाइल्ड आया है। मुंह मत डाल, अरे बाद में मिलेगा खा, मैं तुमको भी एक्टिंग कर लो ना। और ये रही फुप्पू, सब हो गया क्या? तू खुद खा ले बेचारा। सो मच गाइस, सबके थ्रू आओ। रो 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 रो, ए छोटी बहन को डाल उसके मुंह में थोड़ा सा, बस सो गाइस, अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि बेबी को कौन सा पैंपर पहना है। मतलब कोई बोल रहा है पैंपर कंपनी का पहना है, कोई बोल रहा है मैमी पोको पैंट्स पहनाओ, कोई बोल रहा है बेबी केयर पहनाओ। अभी हम लोगों को समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है। अब नौशीन बोल रही है कि उसने जो पहना है उसको उसका नाम नहीं मालूम है। तो गाइस निधा बोल रही है कि उसको पहनना है बेबी केयर का, सॉरी उसको नहीं पहनना है, बेबी को पहनना है, सॉरी गाइस गलत शब्द निकल गया मुंह से मेरे, बेबी केयर का पैंपर अच्छा है। कि आरती तुम कौन सा पहने बचपन में वो पहने, अभी बोलती थी क्या, मेरे को याद रहेगा, 25 साल हो गए, 25 साल की बुढ़ी हो गई है। तो तुम घोड़ी, तुम 25 साल, मैं भी 25 साल को। आरती तुम्हारे में मेरे में कितना डिफरेंस है 25 साल में, माँ पहले पैंपर्स इतना नहीं यूज करते थे, एक्चुअली उसको, एक्चुअली उसको पैंपर नहीं, उसको कुछ और बोलते है। पैंपर कंपनी ने सबसे पहला पैंपर निकाली रहेगी, तब जाकर उसका नाम पैंपर हो गया, ऐसा सीन रहता है। आई विल बी बैक गाइस, नो जेंट्स अलाउड, बाहर अभी बोर्ड लगाना पड़ेगा, जेंट्स का एंट्री नहीं है। अली तू कौन सा पैंपर पहनता था बचपन में बता, मेरे को बता किधर है अपना कौन सा लिबेरो, ओहो लिबेरो, रिच किड। ये देखो गाइस माशाल्लाह, बेबी के कपड़े है, वाइट एंड वाइट है सिर्फ एकदम, हाँ झूले की जगह पे अभी कल से ये सूखेगा यहाँ पर। तो गाइस ये बेचारा, मेरा प्रिंटर भी यहाँ पे पड़ा हुआ है एक हफ्ते से, आके इसको भी खोल के चेक करने का है कि इसका वर्किंग वगैरह कैसा है। मेरे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है, ये लोगों ने मुझे बोले कि जाके तुम पैंपर लेके आओ, मैं पैंपर लेके आया तो बोले तुमने ये वाला क्यों लाया, चिटकाने वाला क्यों नहीं लाया। अब तुम लोग ने ये थोड़ी मेंशन की चड्डी वाला चाहिए कि चिटकाने वाला चाहिए। अब मेरा पहला बच्चा है, मेरे खुद को नहीं पता कि ये सब भी आता है, मैं तो चड्डी ही पहनता हूँ नॉर्मल वाली, अब चिटकाने में थोड़ी पहनता हूँ, बोला का बच्चा भी वही पहनता रहेगा, हद कर दिए। छोटा बच्चा है ना तो उसको भी कैसा पिलाएंगे, बड़ा हो तो इसके साथ तो उठा के पकड़ के पिलाएंगे, हाँ, तो पिलाएंगे, एकदम ऊंची नीचे करो। सो गाइस इसी के साथ में ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, और आपके ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। लव यू, अल्लाह हाफिज़।